दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज की इस ब्लॉग में मैं गांव की करंट सिचुएशन क्या है भाई, हमारे गांव की, वो दिखाने वाला हूँ। पहले तो आप देख लीजिए भाई, नदी का हाल मतलब इतने पानी भाई जून मंथ में बहते हैं नदियों में, तो ऐसी स्थिति हो गई है अभी, हल्की हल्की पानी, तो ये हाल भाई। एंड कुछ कुछ खेतों में यार, मतलब मोस्टली ऐसे खेत हैं जहाँ पे पानी एकदम ही नहीं है, मतलब पानी ख़त्म, सूखे पड़े हैं खेत, हो गई है सिचुएशन, बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, बिकॉज मैं ढलान पे चढ़ाई कर रहा था इस वजह से। तो यार ये स्थिति है, और हमारे इलाके में गड्ढे जो खेत हैं वो बहुत कम लोगों के हैं, और इस समय यार किसान बस भगवान से यही दुआ कर सकता है कि जल्द से जल्द ऊपर से पानी नीचे गिरे, खेतों में पानी हो सके और वो फसल लगा सके खेतों में। देख रहे हो ना पीछे बैकग्राउंड में, फसल लगाई ही नहीं है, तो ये सिचुएशन है भाई। यार मैं यही कोशिश करूंगा आप लोगों को दिखाने की कि लोगों की क्या हालत हो चुकी है। अभी गर्मी में जो फसल लगाए गए थे ये, इसके कलर चेंज होने लग गए, बिकॉज पानी है नहीं, और ये धीरे धीरे सूखने लग गए हैं पत्ते, धान के पत्ते। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश तो है बट पानी है यहाँ पे, तो इस वजह से इस पे धान की खेती लगाई जा रही है, धान रोपा जा रहा है इधर की तरफ भी आगे की तरफ। तो ये जो थोड़े थोड़े हल्के हरे नज़र आ रहे हैं ये धान के पौधे हैं, और इसको लगाया गया है आगे वाले खेत में, और इसको भी लगाने वाले हैं। यार इस मौसम में यहाँ पे भी पूरा पानी भरा रहता है, बट अब देख सकते हो यार अभी तो पानी एकदम गंदा पानी आ रहा है, मतलब थोड़ा बहुत जो पानी बचा है वही बह रहा है, और इधर के खेत का कुछ ऐसा नज़ारा है, इस पर हल्के हल्के पानी है और इधर भी हल्के हल्के पानी, भी कोई जा रही है गड्ढे खेत हैं इनमें पानी इजीली हो जाती है हल्की फुल्की बारिश में भी, तो ऐसा नज़ारा है भाई। आगे की तरफ दूर दूर तक धान की खेती लगाई जानी है, बट कहीं पे भी पानी नहीं है, और ये जो देख रहे हो यार इनका हाल भी सही नहीं है, वो थोड़ी सी हल्की हरी नज़र आ रही है वो फ़िलहाल लगाया गया है उसमें धान का पौधा, बट उसके ऊपर जितने भी हरे हरे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को ये सारे में लगने हैं फसल, बट यार सारा सूखा पड़ा है इस पर, और हरे हरे इसलिए नज़र आ रहे हैं बिकॉज उस पर घास आ गए हैं, और इसी को मैंने बोला कि अगर बारिश होती सही ढंग से तो इन सारे खेतों में ये हरे हरे घास नज़र नहीं आते, बिकॉज ये सारे साफ़ हो चुके होते, और इस पर इस टाइप के जो सामने पेड़ के पास में हरे हल्के हरे नज़र आ रहे हैं उस टाइप के नज़र आते इस तरफ ऊपर की तरफ सारे खेतों में। तो ये हाल है दोस्तों, और रास्ते का हाल पूरा सूखा पड़ा है, ये भी गड्ढे में भी थोड़ा सा पानी है, ये भी एक दो दिन में बारिश ना हुई तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हाल है, आप देख सकते हो ये जो पौधे हैं सामने धान के पौधे, मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये जो पौधे दिखाई दे रहे हैं यार, ये पौधे एकदम इसके पत्ते जो है ना सूखने लगे हैं धीरे धीरे, मतलब सिकुड़ने लग गए हैं, बिकॉज यार देख सकते हो आप पानी है ही नहीं, इनको चाहिए पानी बट पानी है ही नहीं, कि भाई कितने सूखे पड़े हैं ज़मीन, मतलब खेत, इन खेतों को देखिए जनाब, ये जितने भी खेत नज़र आ रहे हैं मतलब जोते हुए हैं
बट ये इस तरह से सूख गए मानो गर्मी का मौसम में जो ज़मीन सूखता है उस टाइप का। आगे दूर दूर तक कहीं पे भी पानी नहीं है। तो दोस्तों ये हाल है। यार देख सकते हो आप, दूर दूर तक कहीं पे भी पानी नहीं है और इन सारे खेतों में धान के पौधे लगा रहे हैं, यानी कि रोपा रोपा जाना है, बट कहीं पे भी पानी नज़र नहीं आ रहा है। देख सकते हो यार, पूरे के पूरे आगे तक, तो ऐसा सीन है भाई, पूरे सूखे पड़े हैं ये, कहीं पे भी पानी ही नहीं है यार, देख सकते हो। तो यारो यही है भाई गांव की रियलिटी एंड करंट सिचुएशन कि भाई अभी गांव में क्या हो रहा है। सीधे सीधा बोला जाए तो गांव में सूखा हो रहा है, बिकॉज पानी नहीं है तो भाई सूखा ही कह सकते हैं। एंड नीड है बारिश की, पानी की, बट वो है कि आने का नाम नहीं ले रहा है। एंड मेरे हाथ चमक रहे होंगे यार, बिकॉज इतनी गर्मी लग रही है, नेक में भी पूरा पसीना पसीना हो गया है। तो ये स्थिति है यार। तो समझ गए होंगे भाई कि गांव का करंट सिचुएशन क्या है, अभी गांव के लोगों के साथ क्या हो रही होगी, वो भी मतलब क्या बीत रही है, लोग क्या सोच रहे होंगे, आप भी क्या सोच रहे हो कि इस बार क्या होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है, फटाफट से कमेंट डाल दीजिए यार। ये थी आज की वीडियो, गांव का जो स्थिति है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, दिखाना चाहता था कि भाई अभी की हालत क्या है। और भैया मैं आ चुका हूँ पेड़ के नीचे एंड मस्त ठंडी हवा चल रही है, बिकॉज यार जामुन का पेड़ है और जामुन का पेड़ काफ़ी ठंडी हवा मिलती है जामुन के पेड़ के नीचे से। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। ये था गांव का करंट सिचुएशन, बारिश ना होने की वजह से खेतों में सूखा पड़ने लग गया है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।